हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गए हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि आप इंटेल या एएमडी का भी कोई भी प्रोसेसर लेते हो तो आपको उसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन आपको देखनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि i9-11900K के इंटेल का जो 11 जनरेशन का सबसे बड़ा सीपीयू है, तो उसके अंदर ये देख सकते हो बहुत सारी इसमें स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। तो आपको इनमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन आपको देखनी चाहिए, कौन कौन सी मेन होती है, कोई भी आप प्रोसेसर लोगे तो आपको उसमें कौन कौन सी आपको स्पेसिफिकेशन देखनी चाहिए, तो वो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो वहाँ पे कुछ कुछ आपको स्पेसिफिकेशन ही लिखी होती है, जैसे कितने कोर हैं, कितने थ्रेड हैं, लेकिन कुछ जानकारी वहाँ पे भी नहीं होती। तो वो आपको यहाँ पे इंटेल की वेबसाइट पे आके वो आपको चेक करनी पड़ती है। अगर आप एएमडी का ले रहे हो तो आपको एएमडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि कोई भी प्रोसेसर लोगे तो आपको यहाँ पे दो ब्रांड ही आपको देखने को मिलेंगे, इंटेल और एएमडी। इन्हीं दोनों में से आपको कोई भी एक ब्रांड में का आपको प्रोसेसर लेना होगा। तो जो इंटेल के भी आप ले सकते हो, एएमडी के भी ले सकते हो। अभी इंटेल की 12 जनरेशन भी 27 आज लॉन्च होने वाली है, कह तो रहे हैं बट पता नहीं। और जो प्रोसेसर होता है उसमें आपको दो प्रकार के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जीपीयू होगा जिसमें आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे, और आपको एक एपीयू आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। इंटेल के जो भी उनके ग्राफिक होते हैं, इंटेल HD कुछ ऐसा कुछ 610 ऐसे कुछ उसमें होते हैं, तो वो आपको देख के लेने पड़ेंगे। और उसके बाद इंटेल की आज तक 11th जनरेशन आ चुकी है सारी, एक से लेके 11th जनरेशन, तो आपको लेटेस्ट जनरेशन का ही प्रोसेसर आपको लेना है। और आपका जो काम है उस हिसाब से आपको प्रोसेसर इसमें आपको चूज करना है। जैसे आपको गेमिंग करना है तो आप i5 के प्रोसेसर भी ले सकते हैं। अगर आपको बेसिक थोड़ा मोटा ब्राउजिंग और थोड़ा मोटा काम करना है, हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, तो आप i3 भी ले सकते हैं। लेकिन आपको हाई एंड काम करना है, जैसे गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग करनी है या मतलब उसमें 3D कुछ भी आपको हाई एंड काम करना है, तो आपको i7 तक आपको जाना पड़ेगा। तो ये है। और उसके अंदर इंटेल के अंदर इसमें KX ये इन प्रोसेसर के पीछे लगे होते हैं। जैसे K है तो एक X लगा होता है, तो ये सबसे बड़े प्रोसेसर होते हैं। और G भी लगा होता है, U लगा होता है, और M वो मोबाइल के लिए होते हैं, U वाले लैपटॉप के लिए होते हैं। तो अलग अलग इसी प्रकार AMD के प्रोसेसर होते हैं, उसके अंदर भी पीछे G लगा होता है, तो वो प्रोसेसर GPU होते हैं जिसके अंदर ग्राफिक्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने प्रोसेसर होते हैं AMD के, उसमें ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हैं G वाले और X वाले जो प्रो वाले CPU होते हैं, सबसे बड़े वाले वो वाले हाई एंड CPU, उसके पीछे X लगा होता है। तो जो AMD की है उसकी भी 3 जनरेशन आ चुकी है। अभी जो 5000 सीरीज अभी जो चल रही है वो सबसे लेटेस्ट है, तो आप उनका भी एक अच्छा CPU आप ले सकते हैं। उसके बाद जो CPU होता है उसके अंदर हमें 4 Zen Threads देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अंदर ये जो प्रोसेसर है 11900K, तो इसके अंदर हमें 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिलते हैं। बट ये जो 10th जनरेशन थी उसमें आपको 10 कोर और 20 थ्रेड थे शायद, तो उसमें ज़्यादा थे, इसमें अभी कम कर दिया, पता नहीं क्यों इन लोगों ने। अभी जो 12th जनरेशन का जो CPU आएगा उसके अंदर आपको 16 कोर और 20 थ्रेड, पता नहीं 24 थ्रेड उसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। वो भी लॉन्च तो हुए नहीं है, बाकी आप लीक्स देख सकते हैं। बहुत अच्छे CPU है जो AMD को सिंगल कोर की परफॉर्मेंस में पूरी टक्कर देंगे, उनसे आगे होंगे। और जो मल्टी कोर है उसमें भी वो उसके इक्वल ही होंगे, लगभग ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद आपको देखना है हाइपर थ्रेडिंग है या नहीं। जैसे आप जो CPU ले रहे हैं उसके अंदर 4 कोर और 4 थ्रेड ही हैं, तो उसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, बट उसके अंदर जो कोर्स हैं, थ्रेड्स हैं, वो कोर से ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग है। तो ये आपको
ज़रूरी है हाइपर थ्रेडिंग होनी चाहिए। अभी जो सारे सीपीयू उसके अंदर सभी के अंदर हाइपर थ्रेडिंग आती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको 64 बिट का ही प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, सभी 32 बिट के तो भाई पुराने हो चुके हैं वो। तो उसके बाद आपको देखना है कि वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है या नहीं, तो भी आप देख सकते हैं। जैसे इंटेल के जो एक्स सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो अनलॉक होते हैं, जिनके पीछे एक्स लगा होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो आप ले सकते हैं अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है तो। और उसके बाद आपको उसमें बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक भी देखने को मिलती है। जैसे इस प्रोसेसर में आपको जो मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी है वो 5.30 गीगाहर्ट्ज़ है, तो इसके जो बूस्ट क्लॉक है फ्रिक्वेंसी वो इतनी है। तो ये आपको हर कोर के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, ये आपको एक कोर के अंदर ही ज़्यादातर देखने को मिलती है जो इतनी टर्बो होती है। बाकी कोर आपको 5.2 तक ही आपको वो इतनी फ्रिक्वेंसी जाएंगे सारे प्रोसेसर, और कुछ 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी तक ही कोर चलेंगे। तो अलग अलग कोर अलग अलग हिसाब से अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो उसमें सॉकेट आएंगे, जैसे इंटेल का भी 12 जनरेशन के 1200 वाला सॉकेट आएगा, और AMD के PGA सॉकेट आते हैं, तो वो भी आपको देख सकते हैं। उसके बाद आपको PCIe वर्जन देखना होगा, कितने PCIe कौन सा PCIe वर्जन यह सपोर्ट करता है। तो अभी के सारे प्रोसेसर लगभग वर्जन 4 को सपोर्ट करते हैं, सारे PCIe केवल 4.0 को सपोर्ट करते हैं, कुछ आपको 3.0 को सपोर्ट करते हैं, और अभी जो 12 जनरेशन का प्रोसेसर आएगा उसमें आपको 5.0 भी उसमें आपको PCIe वर्जन देखने को मिलेगा। उसके बाद उस प्रोसेसर का आप सिनेबेंच स्कोर देख सकते हैं, गीगबेंच भी स्कोर आप उसमें देख सकते हैं, जैसे आपको उस प्रोसेसर की देखने को मिल जाएगा कितना पावरफुल है, उसे दूसरे प्रोसेसर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप अभी प्रोसेसर लेने का सोच रहे हैं तो अभी आप 12 जनरेशन का ही प्रोसेसर लें, अभी वो लॉन्च होने वाले हैं। अगर उनकी प्राइस कम होते हैं तो आप उनको बाय कर सकते हैं।